2004 में शादी हुई थी मेरी। उसके बाद पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। ड्यूटी पर रहते थे, घर पे तो ज्यादा नहीं रहते थे, फिर भी बातचीत हो जाती तो अच्छे से चल रहा था। कोई डर वगैरह कुछ नहीं, अच्छे से बात हो जाती, ऐसी कोई दिक्कत हमें कभी आई नहीं। 20 साल तो मेरे को हो गए थे। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तब उनकी नौकरी लगी हुई थी? लगी हुई थी सर। क्या कहते थे जब आपसे मिलते थे, बातें क्या फौज के बारे में, देश के बारे में हमेशा क्या बोलते थे? उसके बारे में हमें यही कहते कि आप एक सैनिक की पत्नी हो तो आपको गर्व से रहना होगा, हिम्मत से रहना होगा। बाकी हम तो जा रहे हैं, वापस घर में आएंगे तभी हमारा भरोसा है और देश की रक्षा हमको करनी पड़ेगी। कितने बच्चों को भी, मैं घर पे जब नहीं हूँगा तो बच्चा और घर परिवार फिर कोई संभालना, और जब तक हम सही सलामत है आके संभालते हैं तो हमारे कुछ देश की रक्षा करनी है तो हमारे साथ कुछ भी ऐसे हो जाता है तो आप गर्व से रहना और हिम्मत रखना। अच्छा, कहाँ पढ़ाई की थी उन्होंने, क्या बताया? कुछ सरकारी स्कूल में पढ़ते, हमने सुना है कि वो 12 किलोमीटर तक पैदल जाते थे। छोटू में जाते, छोटू विद्यालय में जो अभी फेसबुक पे चल रहा था, छोटू विद्यालय में पढ़ाई की उन्होंने 10वीं क्लास, बाद में बाड़मेर दोस्त। आपके कितने बेटे हैं परिवार में? मेरे खुद के 2 बेटे। क्या उनको पढ़ा कर क्या करवाना चाहते हैं? उनको पढ़ा करके पहले तो कोई विचार था नहीं, अभी ऐसा लग रहा है कि देश की सेवा ही कराऊं। दोनों बेटों को कितना गर्व होता है कि थार के लाल ने, हालांकि दुख पूरी दुनिया को, पूरे देश को दुख है, गर्व हो रहा है, मन मन हो रहा है, इतना उजागर नहीं कर पा रही हूँ फिर भी मन में मेरे को गर्व हो रही। बेटे दोनों को फिर फौज में जाना चाहिए। सर, आखिरी वो कांगो गए तब क्या बात हुई थी आपसे, क्या कहा था उन्होंने? सर, बात तो ऐसे रोजाना होती थी उस टाइम तो उनके वहाँ इस तरह का कोई था नहीं, झगड़ा वगैरह कोई। एक दिन लास्ट में उन्होंने बात की तब कहा कि आज यहाँ पर हमारी पत्थरबाजी हो रही है और यहाँ की सरकार की हड़ताल चल रही है, आपस में लोग झगड़ रहे, फिर भी हमारी जरूरत पड़ी तो हमें जाना पड़ेगा। लास्ट बात यही हुई। सर, आपको समाचार कब मिले थे, किसका फोन आया था सबसे पहले? समाचार सर, सर उनकी बटालियन जो है ना भाई, वहाँ से आया था और नाम बताया नहीं मेरा। सुबह बुधवार सुबह 7 बजे मेरे पास तो बोला कि मेरे ससुर जी का नाम लिया, उनसे बात कर। मैंने सोचा कोई भी ये कोविड टीकाकरण चल रहा है ना, उनके बारे में कोई पूछेंगे मेरे। मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हो, तो बोले कि हम 65 बटालियन BSF बोल रहे। तभी मेरे को पता चल गया कुछ तो बात हुई है वहाँ पे, ऐसा हालात बिगड़े हुए थे तो भाई कुछ भी हो सकता है वहाँ। फिर भी मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे से कोई जवाब नहीं दिया, बोला उनके भाई से बात कर। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि शहीद जो सांवला राम जी ने जो काम किया है वाकई में पूरे देश उनको सलाम करता है, क्या चाहते हैं? उनके नाम का गांव बने, स्कूल बने, उनका नाम अमर रहे, ऐसा चाहते हैं? बेटे के कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके? बड़ा बेटा 11th है, छोटा 8। सरकारी स्कूल पढ़ता बेटे? छोटा सरकारी में, बड़ा वाला प्राइवेट।